हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शुभम मिस आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। शुभम मिस के किचन में एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से ज़बरदस्त टेस्टी भरवा टमाटर सब्जी। तो चलिए शुभम मिस के किचन में आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 4 का बीज का पल्प निकाली हूँ, 1 का मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक के कारण अच्छा से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, कैमरा के सामने में नहीं रह पाई। बस ऊपर से चाकू से कट कर लेना है। अब टमाटर के अंदर के पल्प को मैं स्पून से निकाल रही हूँ, आप चाकू से भी निकाल सकते हैं बट हाथ कटने का डर है। अब अंदर खाली हो गया है। अब मैं भरवा का स्टेपनी तैयार करूंगी। अब मैं कढ़ाई में ऑयल गरम कर ली हूँ। अब मैं बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, गाजर को मैं कद्दूकस कर ली थी, अब मैं इसे ऐड करूंगी कढ़ाई में। अब मैं बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। इसे 1 मिनट तक फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। अब मैं बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर को ऐड करूँगी और इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब 2-3 मिनट फ्राई हो गया है। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, इसे 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून अमचूर पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और इसे अब फ्राई करेंगे। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसे 2-3 मिनट फ्राई करूँगी। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, इससे खट्टा तीखा चटपटी लगता है, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। अब मैं उबले हुए को मैं इसलिए थी उसे मैं अब कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। ये उबला हुआ है ही, इसे ज़्यादा फ्राई करने का आवश्यकता नहीं है। अब मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा, ज़्यादा या कम दें। अब मैं फ्राई कर ली हूँ। अब मैं स्टेपनी को प्लेट में निकाल ली हूँ। अब मैं टमाटर को बीच में भरूँगी। आप चाहे तो चम्मच या हाथ से भी फिल कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसे फिल करना है, सभी को इसी तरह से फिल करना है। अब मैं फिल कर लूँ, अब दूसरे को भी इसी तरह से फिल करना है, बीच में चम्मच या हाथ से जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप फिल कीजिए, सभी को इसी तरह से फिल कर लेना है। अब मैं सारी स्टेपनी को फिल कर ली हूँ। अब मैं कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल गरम कर ली हूँ। अब मैं इसमें भरे हुए टमाटर के स्टेपनी को ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे
फ्राई करूँगी एक एक करके सभी को ऑयल में डालूँगी और इसे फ्राई करेंगे। इसे ढक्कन से ढक देंगे 2 से 4 मिनट तक ताकि अच्छे से उबल जाए। 2-4 मिनट हो गया है, अब मैं इसे ओपन करके देखूंगी। अब उबल गया है, अब मैं इसे चारों ओर पलट करके फ्राई कर लूँगी अच्छे से ताकि कच्चापन ना रह जाए। अब चारों ओर पलट करके मैं फ्राई कर ली हूँ, अब मैं इसे छनोटा से निकाल लूँगी। अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। सारे स्टेपनी को मैं एक एक करके निकाल लूँगी। आप चाहे तो भरवा टमाटर भी खा सकते हैं, आप चाहे तो इसे भरवा टमाटर सब्जी बना करके भी खा सकते हैं। अब मैं ग्रेवी बनाने का तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं मिक्सी में बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करूँगी, लहसुन अदरक ऐड करूँगी, लहसुन का 4-5 कली, 1 इंच अदरक, टमाटर के पल्प जो निकाली थी मैं उसे ऐड करूँगी और इसे ग्राइंडर में ग्राइंडिंग करूँगी। कढ़ाई में ऑयल गरम कर ली हूँ, अब मैं लाल मिर्च, समूचा जीरा, तेज़पत्ता ऐड करूँगी और इसे ब्राउन होने तक छोड़ूंगी। अब मैं हींग ऐड करूँगी, इससे पेट भी ठीक रहता, खाना को जल्दी पचाता है। अब मैं लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बना ली थी उसे मैं ऐड करके इसे फ्राई कर रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब 2-3 मिनट हो गया है। अब मैं हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं सारे मसाले को ऐड कर दूंगी और इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब मैं कश्मीरी मिर्च ऐड करूंगी 1/2 छोटी स्पून और इसे फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। अब मैं इसे ढक्कन से क्लोज कर दूंगी और इसे 2-3 मिनट तक छोड़ दूंगी ताकि। अब मैं इसे ओपन करके देखती हूँ, वाह कितना अच्छा उबल गया है। अब फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 1 कप। आपको जितना ग्रेवी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करें, ज़्यादा या कम दें। अब मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, ज़्यादा या कम दें। अब मैं इसे ढक्कन से 2-3 मिनट ढक के छोड़ दूँगी इसे उबलने के लिए। अब मैं इसे ओपन करके देखती हूँ, 2-3 मिनट हो गया है, अब अच्छी तरह से ग्रेवी उबल गया है। अब मैं स्टेपनी को एक एक करके ग्रेवी में ऐड करूँगी और इसे 4 से 5 मिनट उबलने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं स्टेपनी को ऐड कर ली हूँ, अब मैं इसे ढक्कन से क्लोज कर दूँगी। अब 2-3 मिनट हो गया है, अब मैं इसे ओपन करके देखती हूँ, वाह कितना अच्छा बना है, कितना लाजवाब दिख रहा है। आप भी बनाएं, आराम से बन जाएगा, इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है और खाने में काफ़ी ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। अब आप इसे सर्व करें।
इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।